अयान हम दीजिए घर से ट्रक के लिए आप साइन कर दो। मैंने अच्छा लाइव ना साइन जेडी वाले हैं ठीक है ये रख लीजिए। एक दूसरा भी आ रहा है ट्रक। कपड़े जूते भी लेते हैं बच्चों के बड़ों के जैसे भी। अच्छा ठीक है तो ये सही कंडीशन जी जी बिल्कुल ऐसे ही देंगे वो भी हमारे जैसे हैं बिल्कुल। तो ये स्टॉल की टाइमिंग क्या है? 24 घंटे खुला है। ठीक है थैंक यू। हेलो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाजिया तारिक। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं कुछ हेल्प करने के लिए। हमारी इतनी औकात नहीं है लेकिन फिर भी हर किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस तरफ आ जाओ यान। हाँ ऐसे ही आ जाओ। तो क्योंकि वो भी हमारे बहन भाई हैं जो इस वक्त घर से बेघर हो गए हैं, उनके बच्चे लावारिस हो गए हैं, किसी की डेथ हो रही है, किसी का क्या हो रहा है, पानी में बह गए हैं। तो उनके लिए हमने कुछ ना कुछ ज़रूर करना है क्योंकि हम लोग तो अपने छत के नीचे अपने घरों में अपने बिस्तरों पर सो रहे हैं और वो बेचारे जिनके बेघर हो गए हैं, खाना पीना भी नहीं है उनके पास, पहनने ओढ़ने के लिए भी नहीं है। और यहाँ पर कपड़े भी दिए जाते हैं कि लेडीज़ जेंट्स बच्चों के जो भी कपड़े जूते आप लोग देना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ पर आके जमा करवाओ। ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, लोगों की हेल्प करें। सैलाब जिस आप देख रहे हैं सिंध में बहुत पानी आ चुका है, बारिशों की वजह से मददगार है आप लोग के। अब राशन कच्चा राशन पक्का राशन और आप जो दे सके दें, अपनी मदद जितना दे सकते हैं 10, 20, 50, 100 जितना आप। कतरे कतरे से ही दरिया भरता है तो आप लोग ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। हाँ और ये मदद हमने उनके लिए नहीं करनी है, हम अपने लिए करेंगे कि हमारे भी हमारी नेकियां अल्लाह की राह पे काम आ जाएं। हाँ तो गाइज प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन बहन भाइयों को टाइम नहीं मिल रहा उनको ज़रूरत नहीं होगी, अभी ज़रूरत है उनकी। और जो बहन भाई भी अभी तक उनको टाइम नहीं मिल रहा किसी भी वजह से, वो तकरीबन अपने काम छोड़ें और 24 घंटे ही है यहाँ पे सहूलत मुहैया। यहाँ पे 24 घंटे आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, 24 घंटे में आएँ और अपना यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को अफोर्ड आप लोग कर सकते हैं तो आएँ और यहाँ पे जमा करवाएँ। राशन हो, कपड़े हों, जूते हों, खाना पीना जो भी कुछ आप लोग कर सकते हैं आप उनके लिए करें। वो भी हमारे बहन भाई हैं जो आज घरों से बेघर हो गए हैं, छतों से उनके ऊपर से छत उठ गई है और ज़मीन भी उनके पैरों के नीचे नहीं है। देखो पानी में उनके जो अफराद बह गए हैं, जो शादियां ख़त्म हो गई, उनके घर टूट गए हैं, बहुत कुछ आप लोग भी इंटरनेट पे टीवियों पे देख रहे हो, वो बहुत इस वक्त उधर क़यामत छाई हुई है। तो प्लीज़ हम लोगों ने उनके काम नहीं आना तो किसने आना है? तो और दुआओं में भी उनको याद रखें कि अल्लाह उन पर रहम फरमाए। हाँ सो गाइस 100 बातों की एक बात है कि वो भी हमारे बहन भाई हैं जो आज घरों से बेघर हो गए हैं, सैलाब में बह चुके हैं, किसी के बच्चे रह गए हैं तो माँ बाप चले गए हैं, किसी के माँ बाप चले गए हैं तो बच्चे रह गए हैं। सब कुछ गाइस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज़ हर न्यूज़ बता रही है कि ये हो गया वहाँ पर, ये हो गया है। तो बहुत खौफनाक ये वाकया है, बहुत खौफनाक ये क़यामत आ गई है वहाँ पर। तो ये आप सब कुछ ये सारी हेल्प हम जैसे ही बहन भाई हैं जो हमसे भी गरीब हैं उन्होंने भी ये सारी हेल्प की है ताकि ये सामान उनके पास जल्द अज जल्द पहुंचाया जाए ताकि सैलाब से पानी से तो क़यामत आई है, कहीं वो भूख से ना मर जाएं। तो अब हम लोग अभी अगर इजी हैं, हमारे कराची में ऐसा कोई हादसा नहीं है तो हमारा काम है कि उन तक ये चीज़ें पहुँचाएँ। तो गाइस आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोग वहाँ पर जल्द अज जल्द सारे बहन भाई इधर आएँ और वो चीज़ें जमा करवाएं जिनकी उन बहन भाइयों को ज़रूरत है, कपड़े जूते, औरतों के लिए दुपट्टे, शॉल, अबाया, जो कुछ भी आप लोग दे सकते हो उनके लिए। तो प्लीज़ आप लोग उनकी हेल्प करें और जल्द अज जल्द करें, कहीं आप लोगों को देर ना हो जाए ये जमा करवाने में क्योंकि इस वक्त वो ज़रूरतमंद है, इस वक्त उनको ज़रूरत है। वो भी हमारी तरह घरों में रहते थे, बिस्तरों पर सोते थे, आज वो बेघर हो गए हैं। तो प्लीज़ गाइज ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो बहन भाई अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे वो यहीं पर पहुँचेंगे, तो प्लीज़ आप यहाँ पर पहुँचें। ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग में, ताकि इस व्लॉग तक मैं पहुँची हूँ तो ये भी अल्लाह की मर्ज़ी थी, अब अच्छे व्लॉग में मैं पहुँचूँगी।
हर जगह पे मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। और भी इस जगह के दो तलवार के अलावा भी हर जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं, जो गुलशन में रहते हैं, जो डिफेंस में रहते हैं, जो लोग कुरंगी में रहते हैं, जो लोग नाजमाबाद, न्यू कराची, जितना भी बड़ा कराची शहर में हर जगह पे स्टॉल इस चीज़ के लगे हुए हैं जमा करवाने के। जहाँ जहाँ किसी को सहूलत मिलती है, नज़दीक मिलती है, तो वो अपने घरों के पास से करीब से जाएं और ये चीज़ें जमा करवाएं, ताकि हमारे उन बहन भाइयों के पास ये चीज़ें पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।